महुआ के जैतपुर प्राचीन ऐतिहासिक दौसा मंदिर में चरखारी विधायक बीरभूषण पहुंचे। विधायक जी ने मंदिर जाकर गोपाल जी के दर्शन किए, साथ ही मंदिर के महंत जी का हालचाल पूछा और ईश्वर से प्रार्थना की कि मंदिर के महंत का स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो। वहीं विधायक जी का कहना है कि मंदिर की जो भी समस्या है उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा और इसके साथ ही कस्बा के जैतपुर में रहने वाली होने वाली समस्याओं को भी सुना। पर आज का अचानक दौड़ा प्राचीन धौसा मंदिर पर कैसे लगा? जानकारी प्राप्त हुई कि मंदिर के महंत जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो उनको देखने के लिए यहाँ पर आए और कुछ यहाँ की समस्याएं भी थीं तो उनको भी देखना था, और कुछ किसान भाइयों के यहाँ की और मंदिर से जुड़ी ज़मीन की में पानी नहीं पहुँचने की समस्याएं भी सामने आई हुई थी, तो सिंचाई विभाग के अधिकारी को फ़ोन करके उन्हें अवगत कराया है और उनको निर्देशित दिया है कि जो भी यहाँ के सिंचाई जैसी संबंधित समस्याएँ उनका समाधान करें। और बिजली की कुछ समस्याएं यहाँ पे थी, तार टूटे हुए हैं पता चला है, तो SDO को भी बता दिया गया कि वो भी ठीक करने का काम करें। सर, 20 साल से देवड़ीपुरा मोहल्ला में बिजली के तार डले हैं, आज भी उसमें बंधा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े बंधे हुए, आज तक बदले नहीं हुए हैं। जब से बिजली वहाँ आई है, कहाँ से? देवड़ीपुरा, देवड़ीपुरा जैतपुर GIC स्कूल के पास। हाँ, आज भी आज तक कोई तार बदला नहीं है? नहीं, ऐसा विषय मेरे संज्ञान में नहीं आया, आपने लाया है पहली बार। जबकि हमने तो यहाँ पे ब्लॉक में एक कैंप भी लगाया था जिसमें अलाउंस कराया था और कि अपने बिजली के बिल माफ़ करा लें, तो उस वक्त मेरे सामने ऐसी कोई समस्या किसी ने रखी नहीं। आज आपने रखी है तो निश्चित रूप से इसका समाधान कराने का काम करूंगा। आए दिन तार टूटते हैं सर। सर जी, एक मोहल्ला की समस्या नहीं है, जो बजरिया दरेरापुरा की समस्या यही है कि 20 साल से तार है बिल्कुल झूल रहे हैं, 5 फुट नीचे, ऐसे आपको दिखा भी सकते हैं हम। हाँ, ठीक बात है। एक दो बार खंभों में एक्सीजन और जय साहब से ही बात करा चुके हैं, लेकिन वो हाँ हाँ कह देते हैं, इस वजह से टाल देते हैं। चलिए, इसको हम देख लेते हैं और निश्चित रूप से जल्द से जल्द इसको ठीक करवाएंगे, नए तार लग जाएंगे। इसके बाद सर, कुछ आपने यहाँ महामृत्युंजय जाप किया था बरसात के टाइम, तो कुछ किसानों के लिए अच्छा माहौल, बारिश हुई, ये तो आप लोग बता सकते हैं कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। हम लोगों ने तो बस साधना की थी यहाँ पर, उसका सबको मिला। ये तो बेहतर आप लोगों को यहाँ की जनता से पूछने के बाद पता चल सकता है। हमने तो फिर बाद में 15 दिन के बाद एक चैनल में ABP न्यूज में देख रहे थे कि एक हैंडपंप की न्यूज लगाई थी उन्होंने कि अपने आप पानी देने लगा, कि जो तप यहाँ तपस्या हम लोगों ने की सभी लोगों ने मिलकर, तो गोपाल जी ने अपनी कृपा की चमत्कार किया कि इतनी बारिश हुई कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई कि हैंडपंप अपने आप पानी देने लगा, बगैर चलाए पानी देने लगा। तो ये गोपाल जी का चमत्कार है, बाकी हम लोग तो सिर्फ भक्त हैं, साधक हैं, मनोकामना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, वो किया। सर, कुछ समस्या हमारे सौभाग्य योजना के तहत जो कनेक्शन हुए थे, कई कई घरों में कनेक्शन के तार के लाइट नहीं पहुंची, सिर्फ मीटर बल लगे हैं वहाँ, क्योंकि खंबे की दूरियाँ ज़्यादा पड़ती, खंबे भी आज भी पड़े हैं, 1 साल होने वाला है, आपको भी एप्लीकेशन, लेकिन विभाग क्यों नहीं सुन रहा है? हाँ, ये बात आपके द्वारा मुझे जानकारी आई थी, और ये टाटा कंपनी काम कर रही है जी, जी, जी। और टाटा कंपनी से कहा भी गया था, उस वक्त में शायद टाटा कंपनी के कर्मचारी बाहर थे, मगर अब शीघ्रता से उन लोगों को आपके समक्ष बुलाकर ही स्वयं खड़े होकर काम करवाएंगे, जब मुझे अच्छा भी लगेगा, मैं तो काम करने वाला व्यक्ति हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं, और हमें तो काम करना है, काम तो होके ही रहेगा किसी भी कीमत में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर।